लेटेस्ट न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कार के बोनट पर करवा रही थी वीडियो शूट, पुलिस ने दर्ज किया केस। करंट लगने से युवक की मौत, ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुणे में एक दुल्हन को चलती कार की बोनट पर बैठकर वीडियो शूट कराना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल दुल्हन पर कोरोना नियमों का पालन न करने का भी आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक बिना मास्क के 23 साल की दुल्हन और उसके रिश्तेदार ने वीडियो शूट कराया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के अलावा ओवर स्पीडिंग का भी गलत मामला है। पुलिस के मुताबिक एक रिश्तेदार जो कार चला रहा था उसके साथ का एक व्यक्ति चलती बाइक पर वीडियो शूट कर रहा था। जब कार में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। दुल्हन का वीडियो शूट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन चलती कार के बोनेट पर बैठी है, जबकि बाइक पर बैठा एक दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो शूट कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि दुल्हन और उसके रिश्तेदारों ने कई कोरोना सहित ट्रैफिक नियमों को भी तोड़ा है। उन्होंने खुद की जान खतरे में डाली है, दूसरों की जान को भी जोखिम में डाला है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वीडियो मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे दीवे घाट में शूट किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी खबर, ओल्ड कामठी थाना सीमा क्षेत्र अंतर्गत आर्थिक के तार का करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तुमड़ीपुरा क्षेत्र स्थित शिक्षक स्कूल के पीछे मंगलवार की रात 9:30 बजे के दरमियान की है। मृतक का नाम किशोर पुंडलिक चौधरी है। मंगलवार की रात 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे के दरमियान लगभग 1.25 घंटा शहर में जोरदार बारिश हुई। 9:30 बजे के दरमियान किशोर अपने घर आ रहा था। घर के पास की गली में उसे आर्थिक के तार का जोरदार करंट लग गया, जिससे उसकी चीख निकल पड़ी। चीख सुनकर घर के भीतर से किशोर की बहन और उसकी लड़की ने बाहर निकलकर देखा तो किशोर अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। तीसरी खबर, कैबिनेट ने केंद्रीय सूची ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के मुद्दे की पड़ताल को आयोग किया है। उपवर्गीकरण के मुद्दे की पड़ताल के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।